जब आप कोई रिसर्च करेंगे तो अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ डेटा होने चाहिए, कुछ साक्ष्य होने चाहिए, कुछ तथ्य होने चाहिए जिसके बेस पे आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि वाकई में जो ये सर्च है ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। मतलब देखिए, डाटा का बहुत बड़ा रोल होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में। आज की क्लास और क्लास से बिल्कुल अलग है, क्यों? क्योंकि हम आज पेपर वन के में रिसर्च एप्टीट्यूड, अनुसंधान अभिक्षमता या अनुसंधान अभिरुचि के बारे में हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। और अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पिछले 10 साल का जो पेपर है उसका एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि इस टॉपिक से, स्टेजेस ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के चरण, आप स्टेज के लिए या स्टेप के लिए, बात एक ही है। हाँ, अनुसंधान के चरण, अनुसंधान के चरण से जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोर देन 10 टाइम्स टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं जो है इस टॉपिक पे डिफरेंट बुक्स का मैं एनालिसिस कर रहा था, मैंने देखा कि इस बुक कुछ किताबों में जो रिसर्च के स्टेज, जो स्टेज हैं, स्टेजेस या चरण हैं, कुछ बुक्स में 6 लिखे हुए हैं और कुछ बुक्स में 8 हैं। तो कुछ में 6 है, कुछ में 8 है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि किन किताबों में 6 लिखे हैं, किन किताबों में 8 लिखे हैं। आपको गिनती नहीं गिननी है, आप एक रिसर्चर हैं, आगे आप नेट के लिए एग्जाम अभी दे रहे हैं, आगे आप पीएचडी करेंगे, नेट जेआरएफ के लिए अटेम्प्ट करेंगे, हायर एजुकेशन में आएंगे, तो आपको गिनती नहीं गिननी है। आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना है कि आमतौर पर जब एक रिसर्चर रिसर्च को कंडक्ट करता है तो वो एक प्रोसेस को फॉलो करता है, एक प्रक्रिया का अनुसरण करता है, और रिसर्च के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को एक टाइम के अंदर अचीव करना होता है। इसलिए जरूरी है कि रिसर्च को एक सिस्टमैटिक तरीके से कंडक्ट किया जाए, और उसी सिस्टमैटिक तरीके को हम स्टेप ऑफ रिसर्च कहते हैं। तो स्टेप ऑफ रिसर्च में सबसे पहली जो चीज़ है कि आपको इस बात को आइडेंटिफाई करना है, आपको कि किस टॉपिक पे आपको रिसर्च करना है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, और आप इन चीज़ों को मेमोराइज कर सकें, उसको सही तरीके से याद कर सकें। ये जो स्टेजेस हैं, जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स हैं, ये ऊपर नीचे ना हो कभी इसके क्रम को लेकर के, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसके क्रम से पूछे जा रहे हैं कि इसके जो स्टेज हैं उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है सिस्टमैटिक तरीके से। तो आमतौर पर जैसे कि आपने किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा तो उसको ऑर्गेनाइज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अगर उसी कॉन्सेप्ट को आप ट्रिक के जरिए से, कोड के जरिए से आप अगर उसको समझने की कोशिश करेंगे तो उस कॉन्सेप्ट को जो है ऑर्गेनाइज करना एग्जाम में, उसको कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए, मैंने आपके कोड लिखा हुआ है PhD CAG। ये PhD क्या है और CAG क्या है, बहुत आसान कोड है, इसको आप आसानी से याद कर लेते हैं। अगर आपने इतना याद कर लिया, आपने PhD और CAG, मतलब PhD और CAG इसको कह सकते हैं, अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप जो है रिसर्च के स्टेज को समझ गए, आपने मेमोराइज कर लिया। आइए इस कोड को हम डिकोड करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आप जब भी किसी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं तो उस टॉपिक को आप डिफाइन, मतलब आप ये देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपको किस टॉपिक पर रिसर्च करना है, मतलब उस टॉपिक का आप सिलेक्शन करते हैं, उस टॉपिक को या उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की आप कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेज क्या है कि प्रॉब्लम, टी फॉर प्रॉब्लम, आपको क्या करना है, आपको सिलेक्शन करना है, क्या करना है, आपको सिलेक्शन करना है या आइडेंटिफिकेशन करना है, मतलब पहचान करनी है किस चीज की, प्रॉब्लम की, मतलब जिस समस्या पे, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करेंगे उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको उसका उसकी पहचान करनी है कि किस विषय पे आप जो है अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। जो दूसरा स्टेज है आमतौर पे जो है इस प्रोसेस में, यहां पे आप देखिए, एच का मतलब क्या, हाइपोथेसिस, एच का मतलब हाइपोथेसिस, अब मैं कुछ किताबों में देखा था कुछ में डायरेक्ट हाइपोथेसिस लिखा हुआ था, और लेकिन आप देखिए, आप हाइपोथेसिस ऐसे नहीं बना सकते हैं, आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के अगर आप कोई परिकल्पना बनाते हैं, कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि इसके बीच का एक स्टेज आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर।
आप समझिए ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है। अब देखिए यहाँ पे आमतौर पे हमने यहाँ पे तीन ही वर्ड लिखे थे, लेकिन हमने एक बीच में यहाँ पे वर्ड आ गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आपको ये मालूम होता है कि जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं या जिस प्रॉब्लम को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं उस टॉपिक पर ऑलरेडी कितना काम हो चुका है। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर का से ये भी आप तय करते हैं कि जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं या जिस प्रॉब्लम का अपनी रिसर्च के जरिए से आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं उससे ये भी मालूम होता है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर से कि इस टॉपिक पर अभी तक कितने काम हो चुके हैं और इस टॉपिक पे कितना लिटरेचर मौजूद है अवेलेबल है। तो जो एक तरह से आप देखें कि इस प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस और इंक्लूड है हाइपोथेसिस। आमतौर पर क्या होती है हाइपोथेसिस, क्या कि किसी भी प्रॉब्लम का एक संभावित समाधान है, कह सकते हैं कि एक संभावित क्या है समाधान है? मतलब क्या कि आपने एक अजम्पशन बनाया कि इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अगर सपोज कि आप दो आमतौर पे हाइपोथेसिस में आप क्या करते हैं, आमतौर पे हाइपोथेसिस में आप क्या करते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है क्या कनेक्शन है उसको आप देखने और समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक हमारा हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम बेरोजगारी कह सकते हैं, और पहला एक वेरिएबल हो गया एचआर हो गया हमारा, और दूसरा हो गया क्राइम। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बेरोजगारी में और अपराध में क्या क्या कनेक्शन है, क्या ऐसा है क्या कि बेरोजगारी बढ़ती है तो क्राइम बढ़ता है या क्राइम बढ़ता है तो बेरोजगारी बढ़ती है। तो ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, दो चर से इसके बीच का जो कनेक्शन है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि हाँ एक डायरेक्ट रिलेशन है कि अपराध जब बेरोजगारी बढ़ती है तो जो है क्राइम बढ़ता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि नहीं ऐसा कोई इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है एम्प्लॉयमेंट अगर घटेगा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी अगर बेरोजगारी होगी तो फिर क्या होगा कि अपराध बढ़ेगा। तो एक संभावित समाधान है मतलब किसी भी समस्या का किसी भी प्रॉब्लम का एक संभावित समाधान, कोई जरूरी नहीं कि इसके बीच में कोई रिलेशन होगी, वो तो आगे जब हम रिसर्च करेंगे जब डाटा कलेक्ट करेंगे उसके बाद में जो है हमें चीजें मालूम होगी कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में इन दो चरों के बीच में कोई रिलेशन कोई कनेक्शन है या नहीं है। और तीसरा जो स्टेज है आप यहाँ पे देखें डी फॉर डिजाइन, कैसी डिजाइन रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या कि रिसर्च डिजाइन या डिजाइन ऑफ रिसर्च का मतलब ये कि आप इस प्रोसेस में इस स्टेज पे आप ये करते हैं कि आप ये देखते हैं कि हमें अपने रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए किस तरीके की पद्धति को किस तरीके के मेथडोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। मतलब रिसर्च डिजाइन या रिसर्च मेथडोलॉजी भी आप कह सकते हैं कि जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं वो कैसी होगी, मतलब आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने जा रहे हैं कंपैरेटिव रिसर्च करने जा रहे हैं किस तरीके की आप रिसर्च करने जा रहे हैं, आपका जो अप्रोच होगा कैसा होगा, आप उसमें इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे या डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें। और इसी रिसर्च डिजाइन में आप ये भी देखेंगे कि आप जो सैंपल आपके सैंपल का साइज कैसा होगा, मतलब कितना कैसे आप डाटा कलेक्शन करेंगे, मतलब यहाँ पे जो इसे कि आप डाटा कलेक्शन करेंगे तो उसके लिए आप सैंपल भी बनाएंगे ना, क्योंकि वो पूरी पॉपुलेशन पे तो रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। तो आप इसी डिजाइन के अंदर ये भी आप तय करेंगे कि आपको डाटा का कलेक्शन कैसे करना है, आपको डाटा का कलेक्शन कैसे करना है, ऑब्जर्वेशन के जरिए से आप करेंगे सर्वे के जरिए से आप करेंगे क्वेश्चनियर के जरिए से करेंगे कैसे करेंगे, ये चीजें आप यहाँ पे रिसर्च डिजाइन में करेंगे। तो और एक चीज ये भी कि आप अपनी रिसर्च के लिए किस तरीके का जो लिटरेचर इस्तेमाल करेंगे कैसे सोर्सेज का आप इस्तेमाल करेंगे, प्राइमरी सोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे या सेकेंडरी सोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपके रिसर्च डिजाइन में इंक्लूड हो जाती हैं कि आपके रिसर्च का डिजाइन कैसा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड है। रिसर्च का तरीका कैसा होगा, उसमें सैंपल का साइज कैसा होगा, उसमें सोर्सेज कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, प्राइमरी सोर्सेज होंगे सेकेंडरी सोर्सेज होंगे, कैसे आप डाटा कलेक्ट करेंगे। और डाटा कलेक्शन की अगर हम बात करें जो तीसरा जो चौथा आप यहाँ पे देखिए जो सी का मतलब क्या, सी का मतलब यहाँ पे कलेक्शन, कलेक्शन किस चीज का कलेक्शन, डाटा का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डाटा।
जब आप कोई रिसर्च करेंगे तो अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ डेटा होने चाहिए, कुछ साक्ष्य होने चाहिए, कुछ तथ्य होने चाहिए, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि वाकई में जो रिसर्च है ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। मतलब देखिए, डाटा का बहुत बड़ा रोल होता है। डाटा को पहले आप कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में जो है, जैसे भी मैंने आपको बताया कि डाटा कलेक्ट करने के लिए आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं, आप क्वेश्चनरी के जरिए से जो है डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं डाटा को कलेक्ट करने के। तो जो ये अगला स्टेप है, जो हमारा चौथा स्टेप है, वो कलेक्शन ऑफ डाटा, कि आप डाटा का जो कलेक्शन है उसका चयन आप कैसे करेंगे। और फिर अगला जो स्टेप है, स्टेज फाइव, इसमें क्या कि एनालिसिस ऑफ डाटा। रिसर्च में ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको डाटा का कलेक्शन करना है, आपको उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद एक सिस्टमेटिक फॉर्म में उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसके बाद में उसको क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है, उसका विश्लेषण करना है, और ये देखना है कि उस डाटा के अंदर क्या कॉमन पैटर्न है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी और क्राइम के बीच में क्या संबंध है, या एक एग्जाम्पल और रख सकते हैं कि एक सपोज कि हम रिसर्च कर रहे हैं कि एक बैट्समैन की परफॉर्मेंस पे स्ट्रेस दबाव है, उसका कितना असर पड़ता है। तो ये जो डाटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है, इसमें हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, मैथमेटिकल प्रोसेसर यहाँ पे अपनाते हैं, जो गणितीय पद्धति है, जैसे कि स्टैटिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जो मीन मीडियम मोड है उसको हम यहाँ पे जो है इन चीजों को आप जो है अप्लाई करके देखते हैं इस डाटा के ऊपर में कि इसके अंदर कोई कॉमन पैटर्न है कि नहीं पैटर्न है, कोई चीजें यहाँ से निकल करके आ रही है कि नहीं निकल के आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी बेरोजगारी और क्राइम के का मैंने वो किया, ठीक है, कि इसके बीच में क्या रिलेशन है। हमने दिल्ली का बेरोजगारी दर देखा और ये भी देखने समझने की कोशिश की कि इस जो क्राइम यहाँ पे हो रहा है उसमें कौन कौन से लोग एक्टिव मतलब इन्वॉल्व हैं और वो इम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, जो क्राइम उसने किया उसके पीछे क्या कारण था। अगर इन सारी चीज़ों को हमने एक डाटा के जरिए से हमने कलेक्ट किया और उसका एनालिसिस किया और एक कॉमन पैटर्न हमें दिख करके आया कि यहाँ पर ज्यादा देर जो क्राइम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, वो किसके जरिए से हो रहे हैं, बेरोजगारी की वजह से हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो रहे हैं। तो ये चीजें कब प्रूफ होंगी, जब हम डाटा का एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। अगर हम डाटा का विश्लेषण कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं, अगर यहाँ ये चीजें निकल के आ रही हैं कि बेरोजगारी के बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में और क्राइम के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, तो वहां पे फिर हम एक कॉमन पैटर्न मतलब जनरलाइजेशन करेंगे, ठीक है ना, जी फॉर जनरलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण करेंगे। हम ये बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे एक सामान्यीकरण करेंगे कि क्राइम के बीच में और बेरोजगारी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसी को हम एक थ्योरी यहाँ पे फिर क्या करेंगे कि अपनी रिसर्च के जरिए से जो हमारे रिसर्च का आउटकम है, रिलेशन और आमतौर पर इसको कंक्लूजन भी कह सकते हैं कि निष्कर्ष, हमने ये सारे स्टेज फॉलो किए, उसके बाद हमारे रिसर्च में निकल के आया ये कि हमारा कंक्लूजन निकल के आया कि बेरोजगारी के बीच में और क्राइम के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो हमने आप क्या किया, एक सिद्धांत, एक थ्योरी प्रपोज कर दी कि बेरोजगार जब 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 बेरोजगारी बढ़ती है तब तब जो है क्राइम बढ़ता है। तो एक कंक्लूजन हो गया हमारी रिसर्च का। और फिर इसी को फिर हम क्या करते हैं, इसी की एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसको जो है सबमिट करते हैं। तो ये रिसर्च के स्टेप हैं और आप इसकी प्रोसेस को समझिए। किसी बुक में 6 लिखा हुआ है, किसी बुक में 8 लिखा हुआ है। तो आई थिंक ये जो चीजें हैं आपको समझ में आई होंगी। आप चाहें तो मैं साइड में आ जा रहा हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो टॉपिक था, ये पेपर वन में जो है जो रिसर्च एप्टीट्यूड है इसके क्वेश्चन था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन, मोर देन 10 टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की जो हमारी अगली क्लास होगी, किसी और कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे और हम साथ ही साथ पेपर टू के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ हम पेपर वन को भी जो है कवर करेंगे। खासतौर पे जो स्पेशली जो रिसर्च एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है, जो कम्युनिकेशन का पोर्शन है, हायर एजुकेशन पोर्शन, ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। और ये तो वीडियो ऐसी है कि जिसको मतलब किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो वो इसको, उसके लिए ज़रूरी है इस स्टेप्स को, इन स्टेज को समझना। और मैंने आपको एक जो कोड बताया है इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको याद करना काफ़ी आसान है। तो
तो आप जो है इस वीडियो को जो है दबा के लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ जो यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर करिए। थैंक यू सो मच।